भैया मेरी इस जड़ता के कारण, मूर्खता के कारण आज आपको इस प्रकार से प्रकट होना पड़ा। तो महाराज जड़ भरत जी ने तो वहां प्रणाम किए और फिर कुछ दिन से घर को भी त्याग दिए। घर गए नहीं, अब महाराज अब तो विचरण करने लगे, जंगल जंगल घूमने लगे। आज भद्रकाली मैया ने मेरी रक्षा की। भगवान का भजन करते रहे, भगवान का भजन करते 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 महाराज एक दिन की बात कि सिंध सोवीर देश के राजा रहुगढ़ थे। राजा रहुगढ़ कपिल आश्रम पर जा करके वेदांत के बड़े भारी रसिक थे। वेदांत के हर किसी को अपना अपना रस होता है। किसी को भजन सुनने में ज्यादा आनंद आता है, किसी को भागवत सुनने में आनंद आता है, तो किसी के फिल्मी गाने सुनने में आनंद आता है। तो इस प्रकार से अपना अपना ये तो रस है। महाराज वेदांत के बड़े प्रेमी थे। कपिल आश्रम में ज्ञानोपदेश के लिए जा रहे थे। सो अचानक पालकी, उस समय गाड़ियां नहीं थी, उस समय गाड़ियां ना रही होंगी जभी तो पालकी चली, क्योंकि गाड़ियों का व्याख्यान पुराणों में आया नहीं। विमानों का आया है, हाथी घोड़ा रथ आदि का आया है, पर गाड़ियों का नहीं आया, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का नहीं आया। वेद से विज्ञान बना है, पर विज्ञान से वेद नहीं बना। आज महाराज वो पुलह आश्रम को जा रहे थे जैसे ज्ञानोपदेश के लिए। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। कहार बीमार पड़ा तो कहारों ने कहा महाराज क्षमा करें, एक कहार है उसे अचानक बुखार आ गया।